अब तक आपने देखा रामा के घर एक पंजाबी जोड़ा बैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं देने पहुंचता है। उन्हें देख रामा को एक युक्ति सूझती है और वो रूप बदल कर दरबार में सबके समक्ष प्रस्तुत होता है। रामा दरबार में सबको ये आश्वासन देता है कि अगले दिन वो सबको दरबार में ही माता रानी के दर्शन करवाएगा। अब आगे हेलो गल करते हैं। वो क्या है ना, माता रानी ऐसे झूठे ढोंगी पाखंडी लालची आदमियों को दर्शन नहीं देती, और अगर ऐसा कोई आदमी उनके सामने आ जाए तो उनकी क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाता है ऐसे बुम करके। हे भगवान, हमारे स्वामी तो कुछ भी नहीं है, है? वरुण माला, हम कुछ नहीं है। लो बोलो, ढोंगी पापी लालची इन सब में से आप कुछ भी नहीं है स्वामी। हमारे स्वामी को तो स्वयं भगवान शिव आकर दर्शन देते हैं प्रतिदिन। जी, और हम तो कहते हैं कि आप माता रानी को ले आइए और हमारे स्वामी भगवान शिव को लेकर आ जाएंगे। गल करते हैं वीर जी। वैसे यदि आपने जीवन भर ढोंग झूठ और पाखंड का सहारा लिया भी है ना, तो भी माता रानी आपको दर्शन दे सकती है। अच्छा, वो कैसे? तपस्या करके। तपस्या? कैसी तपस्या? ओ जी, गंगा जल ग्रहण करके। तो जी, ये गंगा जल है, आपको इसे ग्रहण करना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पी जाएंगे। गल करते हो वीर जी, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? इसकी एक एक बूंद से आपके शरीर को पवित्र करेंगे। आपको इससे एक एक बूंद पीना है। इसकी सहायता से? अहो जी, और जब इस पात्र का पूरा गंगा जल खत्म हो जाएगा तो आपके शरीर में पवित्रता फैल जाएगी। किंतु महोदय, ऐसे तो हमारे गुरुजी रात भर गंगा जल ही पीते रह जाएंगे। हाँ? माता रानी के दर्शन करने हैं कि नहीं करने? हाँ, करने। तो फिर तपस्या करनी है कि नहीं? हाँ तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, संपूर्ण रात्रि करेंगे। है हुई ना गल वीर जी। हेलो, तो जोर से बोलो जय माता दी। ओ सारे बोलो जय माता दी। ओ मिलके बोलो जय माता दी। आहो जी, तो बताइए कहाँ है आपकी माता रानी? जी महाराज, यहीं तो है। आइए, आप सबनु दिखांदे हैं सत्यदा दर्पण। ये तो मात्र दर्पण है। जी, ये कोई ऐसा वैसा दर्पण नहीं है, माता रानी दा खास सत्य दा दर्पण है। सत्य दा दर्पण? अर्थात तो ये किस प्रकार का दर्पण है? महाराज, स्वयं माता रानी का विशेष आशीर्वाद है जी इस दर्पण को। जो आदमी मन से सच्चा कर्तव्य परायण शूरवीर निष्ठावान ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर सदैव सत्य और धर्म का जीवन बितांदा है, उसे इस दर्पण में अपना नहीं माता रानी का प्रतिबिंब दिखता है जी, उन्हीं के दर्शन प्राप्त होंदे हैं। महाराज जी, काम क्रोध लोभ मोह माया मद इन सबसे ऊपर रहकर जो अपना जीवन जीता है ना, माता रानी उसे जरूर दर्शन देती है। अच्छा, और यदि व्यक्ति में कोई दुर्गुण हो तो? गल करते हैं महामंत्री जी, दुर्गुणी आदमी को भला माता रानी दर्शन क्यों देंगी जी? गुरुजी, आप त्रुटि से भी ना दर्पण के निकट मत जाना, नहीं तो आपकी झूठी छवि सहन न करने के कारण दर्पण चूर चूर ना हो जाए। हाँ गुरुजी, आपने तो संपूर्ण गंगा जल भी ग्रहण नहीं किया था। हाँ। ये दर्पण तो अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे राज दरबार में कितने
सत्यवादी एवं कितने निष्ठावान व्यक्ति उपस्थित हैं। आहो जी महाराज। तो महामंत्री जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं जी। आइए जी, आइए जी। अवश्य अवश्य। तो बताइए मंत्रीवर, क्या दृष्टिगत हो रहा है आपको? महाराज, हमें तो पूर्ण यकीन है कि महामंत्री जी जैसे शूरवीर, मातृभूमि के प्रति निष्ठावान और अपने महाराज के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देने वाले आदमी ने कभी भी कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य तो किया ही नहीं होगा जी। कभी भी असत्य और स्वांग का आश्रय तो लिया ही नहीं होगा, क्यों जी? अब जी, तो वधिया, माता रानी तो आपको जरूर दर्शन देंगी, क्यों जी? जी आओ, बताइए जी, महामंत्री जी बताइए। जी जी जी। बोलिए महामंत्री जी, माता रानी दिखाई दे रही है आपको? महाराज महाराज महाराज, हमें हमें माता रानी तो स्पष्ट नजर आ रही है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। अब मैं क्या पापा जी, मेरा मतलब है वीर जी, अब आपका मौका है जी। आओ जी आओ, माता रानी के दर्शन कर लो दर्पण में, सारे पाप दूर हो जाएंगे जी। आओ जी आओ आओ। अब हमें क्या आवश्यकता है महाराज, हम तो प्रतिदिन कलश में माता जी के दर्शन करते हैं, भगवान शिव तो प्रतिदिन सदैव हमें दर्शन देते ही रहते हैं, इस क्षण भी दे रहे हैं। वो बैठे कैलाश पर्वत पर। जय भोले भंडारी। आश्चर्य की बात है गुरुवर, आप मना कर रहे हैं, वो भी देवी के दर्शन है तो? हाँ ना ना, ऐसी ऐसी बात नहीं है महाराज। तो फिर समस्या क्या है? आइए आइए और कीजिए देवी माँ के दर्शन। हाँ हाँ गुरुजी, जाइए जाइए गुरुजी, माता रानी के दर्शन कीजिए। जाइए जी महाराज। आओ जी आओ, आओ जी वीर जी आओ। तुझे क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा होगा अपने गुरुवर को? अरे लगना क्या, बस इसी क्षण माता रानी के प्रकोप से भस्म हो जाएंगे हमारे गुरुजी। माता रानी नहीं दर्शन देने वाली, इन्हें इतने तो पाप किए, भस्म कर देंगे देखना। ए, हम तो बड़े मनमोहक दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है गुरुवर, माता के दर्शन हुए कि नहीं? देखने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। माता रानी कहाँ है यहाँ? माता रानी तो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या बात है गुरुवर, आपको माता के दर्शन हो रहे या नहीं? गल करते हैं महाराज, विजयनगर के राजगुरु महापंडित तथाचार्य, जिन्होंने सदैव अपना जीवन सत्य और धर्म के रास्ते पर ही बिताया है, जिसे स्वयं भगवान शिव दर्शन देते हैं, उन्हें भला माता रानी कैसे नहीं दिखेंगी जी, है नहीं गुरुवर? हाँ अवश्य अवश्य। श्रद्धा समर्पण का जीवन जीने वाले महाज्ञानी गुरुवर को तो माता रानी अपने दिव्य स्वरूप में स्वयं दर्शन दे रही है लगता है। हाँ, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, देख गई देख गई। जय माता दी जय माता दी।
जय माता दी। माँ, मैं आपका तुच्छ भक्त तथाचार्य, आशीर्वाद दीजिए माँ। माता रानी देख गई महाराज, महाराज दिव्य रूप, अद्भुत अद्भुत श्रृंगार। माता रानी अपने विराट रूप में है, धन्य हो गया हमारा जीवन। महाराज हमें साक्षात माता रानी दिख रही है, ये खड़ी है माता रानी साक्षात सामने, चार भुजाएं और एक हाथ में त्रिशूल, मुख पर दिव्य प्रकाश। ये बुड्ढा पुनः असत्य कह रहा है। सही कह रहा धनी, इस बुड्ढे को तो माता रानी नहीं यमराज दिखनी चाहिए, यमराज। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाह जी महाराज वाह, आपके दरबार में तो सभी में उत्तम और पवित्र गुण दिख रहे हैं, सभी निष्ठावादी और सत्यवादी प्रतीत हो रहे हैं। महाराज जी, अब महारानी चिन्ना देवी को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य अवश्य महारानी चिन्ना देवी। आओ जी महारानी जी, आओ, आओ। महारानी चिन्ना देवी जैसी धर्म पत्नी जो इतनी दयालु है, जिनके दिल में सबके लिए इतना सारा प्रेम है, जो अपने पति से इतना सारा प्रेम करती हो, जिन्हें महाराज की दूसरी पत्नी तिरुमलम्बा से कोई परेशानी नहीं है, उनको तो माता रानी जरूर दर्शन देंगी जी, क्यों जी? बिल्कुल दिखेंगी जी। हमें तो इसमें कोई माता रानी नहीं दिख रही है। यदि हमने सत्य बोल दिया कि हमें माता रानी नहीं दिख रही है, तो सबको लगेगा कि हमें तिरु से कष्ट है और हम महाराज से भी प्रेम नहीं करते। महाराज हमें गलत समझेंगे, कल तो एक छोटी सी बात पर इतने कुपित हो गए थे। हाँ महाराज, कितना अद्भुत दर्पण है ये, हमें भी माता रानी दर्शन दे रही है। जय मांबे, हम अभी माता रानी की आरती उतारेंगे। दास दासियां, कोई है जो हमें आरती का थाल देगा? कितनी अनोखी, कितनी मनमोहक छवि दिख रही है हमें माँ की। गुरुदेव ने सत्य कहा, माता रानी के दर्शन प्राप्त कर हमारा जीवन सफल हो गया। छह मामले। अब देखते हैं विजयनगर के महाराज को इस दर्पण में माता रानी के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। आइए महाराज पधारिए। हमें? परंतु हम तो महाराज हैं। तो क्या हुआ महाराज, आप महाराज हैं तो आपको माता रानी के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है? हम भी तो महारानी हैं, हमने भी तो माता रानी के दर्शन किए हैं। ओ जी महाराज, माता रानी के सामने कौन तो राजा ते कौन तो रंक। महाराज आप माता रानी के दर्शन के लिए मना कर रहे हैं? क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा। हमारा कहने का आशय है कि इस उत्तम समय को व्यर्थ न गवाएं, समय का लाभ उठाएं और माता रानी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए, जैसे हम सब ने किया है महाराज। आइए आइए जी, अवश्य। जी क्या लगता है, महाराज को माता रानी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? कल करते हो, विजयनगर के महाप्रतापी महाबलशाली शूरवीर न्यायप्रिय, हमेशा सच बोलने वाले, अपनी पत्नियों से इतना सारा प्रेम करने वाले महाराज श्री 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 कृष्णदेवराय को माता रानी कैसे नहीं दिखाई देगी जी? इन्हें माता रानी तो क्या, उनका पूरा का पूरा परिवार, गणेश जी, शिव जी, कार्तिकी जी, सभी दिखाई देंगे जी। ओम वाजी वाह, ओ जी आओ। माता रानी तो दूर, इसमें तो मात्र हम ही दिख रहे हैं, पता नहीं सबको क्या दिखा। ओ जी महाराज, माता रानी नहीं दिख रही क्या जी?
कैसे बताएं कि हमें इसमें मात्र हमारी छवि दिखाई दे रही है। दरबार में सबको माता रानी ने दर्शन दिए, अब हम कहेंगे कि हमें नहीं दिख रही है तो हमारा उपहास हो जाएगा, सब सोचेंगे कि हम राज्य संभालने योग्य नहीं है। महारानी तिरुमलम्बा, आप यहाँ? इतना बड़ा दर्पण कितना मनमोहक रूप है ना महाराज, आपने ऐसा सौंदर्य कहीं देखा है? आपको दिख रहा है? माता रानी का सौंदर्य अद्भुत है। माता रानी, हम तो स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी माँ कहती है कि हम विश्व सुंदरी है। महारानी तिरुमलम्बा, ये एक विशेष दर्पण है जी, इसमें माता रानी के दर्शन होते हैं, आपको दृष्टिगत नहीं हुई माता रानी इसमें? माता रानी जी? महाराज, दर्पण के समक्ष तो हम खड़े हैं, तो हम स्वयं को देख रहे हैं, माता रानी हमें कैसे दिखेंगी? नहीं महारानी जी, ठीक से देखिए, आपको माता रानी दिखाई नहीं दे रही है। महाराज, हमें लग रहा है आप हमारी बुद्धिमता की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु हमारी माँ ने हमसे कहा है कि तिरुमलम्बा, आपसे अधिक बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। दिखाई दिए? दिखाई दिए? हाँ। महाराज, हमें अपने साथ साथ आपकी भी छवि दिखाई दे रही है। महाराज, ऐसा ही दर्पण तो हमारे कक्ष में भी है, उसमें भी हम दोनों दिखाई दे सकते हैं यदि कोने कोने में खड़े रहे। परंतु महाराज, इस दर्पण और उस दर्पण में माता रानी की छवि कैसे दिखाई दे सकती है? गल करते हैं जी, माता रानी नहीं दिख रही है जी। महाराज, आपको भी नहीं दिख रही? गल्ला तो तुस्सी कर दे जी, इतने महान सत्यवादी महाज्ञानी महाराज को माता रानी कैसे नहीं दिखाई देगी जी? नहीं दिए माता रानी ने हमें दर्शन, मर गए। इस दर्पण में हमें केवल हमारा प्रतिबिंब दृष्टिगत हो रहा है, माता रानी ने हमें कोई दर्शन नहीं दिए हैं। हाँ महाराज, हमें भी मात्र इस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई दिया, माता रानी के कोई दर्शन नहीं हुए, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था। और आरती आपने स्वयं की उतार ली? हाँ महाराज, अब हमें भी माता रानी के दर्शन नहीं हुए, यूं सबके सामने अपमान ना हो जाए इसीलिए हमने। गल करते हैं महामंत्री जी, हमारा दर्पण सच्चा है जी, वो कभी असत्य नहीं बोलता। लो जी, हो गया से आपका मतलब, पूरे विजयनगर में कोई नहीं है जो शत प्रतिशत सच बोलता हो। नहीं, हमें तो साक्षात माता रानी के दर्शन हुए। देखा तो नहीं मनी? हाँ। अब बीवी असत्य ही कह रहा है बुड्ढा। यही काम है इसका। सत्य कहिए गुरुवर। महाराज, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दर्पण ही झूठा है और ये दोनों अवश्य ढोंग कर रहे हैं, वरना हम जैसे महाज्ञानी सत्यवादी को माता रानी दर्पण में कैसे नहीं दिखी? क्षमा महाराज, एक क्षण। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामा कृष्णा, ये आहा, उनकी धर्म पत्नी भी। देखा महाराज, हमें तो पूर्व से क्या था पंडित रामा कृष्णा कि आप ढोंगी, तो आप इस सीमा तक गिर जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। आपने हमें, महाराज को, हम सबको मूर्ख बनाया,
असत्यवादी, ढोंगी, मिथ्यावादी तो आप हैं पंडित रामकृष्णा। आपने सत्य कहा गुरु भाई, इस दरबार में मात्र मैं ही झूठा हूं और ढोंगी भी। इसलिए तो महाराज ने कल मुझे ही, मात्र मुझे ही झूठा कहकर इस दरबार से निष्कासित कर दिया था। अब इसके पश्चात दोबारा क्या निष्कासित करेंगे गुरुवर? चलो शारदा, यहां से चलते हैं। यहां सब सत्यवादी हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। रुकिए पंडित रामकृष्णा। कल आप सत्य कह रहे थे पंडित रामकृष्णा, आज हम सभी झूठ बोलने पर उतारू हो ही गए हैं। नहीं महाराज, पंडित रामकृष्णा ने हमसे अर्थात हम सबसे झूठ बुलवाया, घोर पाप करवाया हमसे, वो भी माता रानी के नाम पर। नहीं गुरुवर, हमने नहीं बुलवाया, बलपूर्वक नहीं करवाया आपसे। आप सबने अपनी इच्छा से सत्य बोला। गुरुवर, यदि आप सत्यवादी होते तो आप ये कह सकते थे कि आपको माता रानी दिखाई नहीं दे रही है। किंतु आप सबने सत्य का नहीं असत्य का सहारा लिया, ताकि किसी के भी सम्मान को हानि ना पहुंचे। केवल छोटी महारानी जी ही सत्यवादी हैं जिन्होंने झूठे सम्मान के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। कृपया समझिए महाराज, हम सब ने कभी ना कभी झूठ का सहारा अवश्य लिया है, और ये उचित भी है यदि उस झूठ से किसी को हानि ना पहुंची हो अपितु खुशी प्राप्त हुई हो।